हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन वशिष्ठ और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7QC टूल के बारे में, जो कि क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो फ्रेंड्स, 7QC टूल क्या होते हैं? तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टूल्स व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब वो टूल्स जो कि किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो 7QC टूल कहलाते हैं। दोस्तों, इन टूल्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 7 टूल्स कौन कौन से हैं जो कि 7QC टूल के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टूल होता है चेक शीट, दूसरा फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम और स्ट्रैटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये 7 टूल हैं जो कि 7QC टूल के अंदर आते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे टूल्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, पहला टूल है चेकशीट। चेकशीट क्या होती है? दोस्तों, चेकशीट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है और ये हमारे काम आता है डाटा करेक्ट करने के, या फिर किसी भी आइटम को चेक करने के, या फिर आप कह सकते हैं कि मान लो हम किसी मशीन पे काम करने जा रहे हैं, या फिर सबसे आसान एग्जांपल देता हूं मैं कि हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं। अब पिकनिक पे जा रहे हैं तो हमें एक टेंशन लगी रहती है, या फिर बहुत से लोगों के साथ एक समस्या रहती है कि पिकनिक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनको पता लगता है, अरे यार फोन का चार्जर भूल ही गया, अरे मैं अपने खाने का सामान तो भूल ही गया, वो तो येलो शर्ट लेके आई थी मैं वो भूल ही गया। तो चेकशीट एक बहुत ही अच्छा तरीका है चीजों को याद रखने का। ये एक फॉर्मेट होता है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके का होता है। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, फिर चेकिंग आइटम होते हैं। तो मान लो चेकशीट बना रहे हैं, चेकशीट फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पे जा रहे हैं और पिकनिक पे जाने के लिए हमने एक चेकशीट बनानी है। तो क्या क्या लिखेंगे चेकिंग आइटम्स में? कि फोन का चार्जर, मान लो मैं कोई 5 चीज लिख लेता हूं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, फोन चार्जर हो गया, दूसरा शूज हो गए, गिटार हो गया मेरा, चौथा मान लो मेरा XYZ, ये मेरी कुछ डिमांड है कि जब मैं पिकनिक पे जाऊंगा तो मैं ये 7-8 चीजें अपने साथ लेके जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चेकशीट बना ली और उसमें अपने आइटम्स लिख लिए कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। अब मैंने बैग उठाया और मैं पिकनिक जाने के लिए तैयार हो गया हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी चेकशीट निकालूंगा। मैं देखूंगा फोन चार्जर है, रख लिया, यस। शूज मैंने रख लिया, मैं चेक करूंगा, यस। गिटार मैंने रख लिया, मैं चेक करूंगा, यस। और मान लो कोई चीज नहीं ली तो नहीं रखी, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये चीज मैंने नहीं ली, अब मैं जाऊंगा उस चीज को लूंगा और अपनी पिकनिक बैग में रख लूंगा। तो चेकशीट का क्या फायदा हुआ? चेकशीट का ये फायदा हुआ कि मेरी से कोई चीज छूटी नहीं और मैं वहां जाने के बाद अफसोस नहीं करूंगा कि अरे यार ये चीज मेरे को अपने साथ लेके आनी थी बट मैं लेकर नहीं आया। सेम जब हम अपने ऑपरेटर को बोलते हैं कि आप मशीन चलाओ, तो किसी भी शिफ्ट के शुरू होने से पहले एक चेकशीट दी होती है मशीन को चलाने के लिए, जिसको ऑपरेटर चेकशीट बोलते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं, उसमें कुछ चेकिंग आइटम्स लिखे होते हैं। तो ऑपरेटर मशीन चलाने से पहले उन चेकिंग आइटम्स को चेक करते हैं कि लुब्रिकेशन ढंग से हो रखा है, नहीं रखा, कोई नट मेरा ढीला तो नहीं है मशीन में, अननेसेसरी वाइब्रेशन तो नहीं आ रही। ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं और ऑपरेटर को चेक करना चाहिए और चेक करता भी है और साथ में लिखता रहता है। अब आप ये कहोगे कि सर इससे मुझे रूट कॉज कैसे मिलेगा? मान लो 7 तारीख 9 महीना मेरा कोई डिफेक्ट जनरेट हो गया, या मान लो कोई मशीन पे एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे देखना है कि मशीन पे एक्सीडेंट क्यों हुआ है। अब मैं और 8 तारीख है, मान लो 10 तारीख, 10, 9, 22। अब मैं 3 दिन तो टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में नहीं जा सकता ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस टाइम के डाटा को देखूंगा कि 7 तारीख डाटा क्या कह रहा था। अब मशीन पे एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि, तो मैं सबसे पहले मेरा जो होगा वो मैं देखूंगा कि जब ऑपरेटर ने मशीन स्टार्ट की थी तो मशीन की कंडीशन कैसी थी,
और वो मुझे कैसे पता चलेगी? ऑपरेटर चेक शीट से। अब मान लो मैं पैकेजिंग पे नहीं जा रहा, ये मेरी मशीन की चेक शीट है और यहाँ पे कुछ चेकिंग आइटम्स लिखे हुए हैं। अगर ऑपरेटर ने सही से भरी है चेक शीट, ऑनेस्टली भरी है, तो पक्का कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन उसकी रही होगी जो कि एनजी रही होगी। तो उस ऑब्जर्वेशन को देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि हाँ ये एक ऑब्जर्वेशन थी ऑपरेटर की उस टाइम जब उसने मशीन रन की थी। तो क्या ये मेरे उस इंसिडेंट से कोरिलेट होता है या नहीं होता, या मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मशीन में कोई एब्नॉर्मलिटी थी या नहीं थी, वो मुझे चेक शीट को देख के पता लग जाएगी। तो दोस्तों चेक शीट हमारे किस काम आती है आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा। अब दूसरा जो टूल है वो है फिशबोन डायग्राम। तो आइए फिशबोन डायग्राम समझते हैं। तो सेकंड टूल है दोस्तों हमारा फिशबोन डायग्राम। देखो फ्रेंड्स इसको फिशबोन डायग्राम बोलते हैं। इसको फिशबोन डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो एक मछली की हड्डियों की तरह है। मतलब जैसे मछली की हड्डियां होती हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ उस जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं फिशबोन डायग्राम। इसको कोलर इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। कोलर इफेक्ट डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें एक तरफ कॉज होते हैं, पॉसिबल कॉज, जिससे फिर पोटेंशियल कॉज निकल कर आते हैं, और दूसरी तरफ होता है इफेक्ट, यानी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। इसको इशिकावा डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स कोरो इशिकावा एक जापानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डायग्राम को, इस थ्योरी को हमें दिया था, और उनकी थ्योरी पे चलते हुए हम अपने किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फिशबोन डायग्राम है ये हमें रूट कॉज को नहीं बताता। फिशबोन डायग्राम हमें रूट कॉज नहीं बताता। फिशबोन डायग्राम हमें क्या बताता है? फिशबोन डायग्राम सिर्फ और सिर्फ हमें पोटेंशियल कॉज बताता है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स मान लो हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया या हमें कोई डिफेक्ट हमें मिला, कस्टमर एंड से हमें कोई डिफेक्ट रिपोर्ट होता है, तो हम उस डिफेक्ट को या कोई इंसिडेंट होता है उसके इफेक्ट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। मान लो कि डेंट का कोई केस है, या मैं आपको जेनेटिक लूं तो कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का कोई केस है। अब इस डायग्राम से हम उसके पोटेंशियल कॉज कैसे निकालेंगे? दोस्तों ये वर्क करता है 4M या कुछ कहीं कहीं मैनेजमेंट में 6M बोलते हैं। तो 4M या 6M की थ्योरी पे बेस्ड होता है ये। मतलब जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई डिफेक्ट आता है या कोई एक्सीडेंट होता है, उसके 6 रीजन हो सकते हैं। मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मैनेजमेंट और मदर नेचर। ये 6 पोटेंशियल कॉजेज होते हैं जिनको हम प्राइमरी कॉज भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैन की वजह से यहाँ पे क्या क्या इश्यू रहा होगा कि एक्सीडेंट हो गया। क्या बंदा बहुत जल्दी में था? क्या बंदे को बाइक चलानी आती थी? क्या बंदा रफ राइडिंग कर रहा था? तो वो सब कॉज यहाँ पे लिख देंगे। इसको बोलेंगे सेकेंडरी पॉसिबल कॉजेज। फिर मटीरियल, मटीरियल है आपकी हाँ, मटेरियल में आपके जैसे मान लो उसके ज्यादा चोट लग गई, तो जो उसने इक्विपमेंट्स पहन रखे थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन रखे थे, वो एप्रोप्रिएट थे या नहीं थे, वो पर्याप्त थे या नहीं थे, वो सब आ जाएंगे मटेरियल में। फिर बात आती है मेथड की। अगेन भाई जिस हिसाब से वो बाइक चला रहा था, जिस मेथड से वो बाइक चला रहा था, उसने ब्रेक लगाया, क्या वो मेथड ठीक था या नहीं था, तो इसमें वो आ जाएगा कि मेथड ब्रेकिंग सिस्टम। फिर आती है बात मशीन की। मशीन यानी उसकी बाइक की, जब वो बाइक चला रहा था तो क्या उसकी बाइक की कंडीशन ठीक थी, तो बाइक की वजह से क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा। जैसे हमने मैन की वजह से क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, मटेरियल की वजह से क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, सेम मेथड, मशीन, मैनेजमेंट, जो कि इसमें नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि कोई ये 6 के 6 इफेक्ट या सॉरी 6 के 6 रीजन किसी इंसिडेंट के लिए हो। मदर नेचर ऐसा तो नहीं था, मदर नेचर क्या होता है? रेनी सीजन, ठीक है। तो हम यहां पे मैन के जैसे क्या कॉज हो सकते हैं, मेटल के जैसे क्या कॉज हो सकते हैं, पॉसिबल कॉज लिख लेंगे। ये
जो पूरा डायग्राम बनता है ये किसी एक बंदे से नहीं बनता, इसके लिए सीएफटी चाहिए होती है, इसके लिए सीएफटी चाहिए होती है, यानी क्रॉस फंक्शनल टीम। जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो एक टीम फॉर्म होती है जिसमें ग्राउंड लेवल के बंदे से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक के बंदे इन्वॉल्व होते हैं। वो इस डायग्राम की हेल्प से पॉसिबल कॉजेस बताते हैं, पॉसिबल कॉज बताते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का सबसे पहला रूल होता है कि हम किसी को भी चुप नहीं कर सकते कि क्या बकवास कर जा रहा है, ये कोई रीजन थोड़ा हो सकता है। हर बंदे को बोलने का अधिकार है ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान। तो यहाँ पॉसिबल कॉज बताते हैं, उसके बाद पॉसिबल कॉज आने के बाद उस पर वेरिफिकेशन होती है। जब वेरिफिकेशन होती है तो उसमें से कुछ पोटेंशियल कॉजेस निकल कर आते हैं। बस फिशबोन डायग्राम में पोटेंशियल कॉज तक बताता है। उसके बाद हम पोटेंशियल कॉज की वैलिडेशन करते हैं, सिमुलेशन करते हैं और फिर हमें रूट कॉज पता लगता है। तो दोस्तों ये जो रूट कॉज का है वो मैं आपको एक अगली वीडियो में अलग से समझाऊंगा। आज हम सिर्फ फिशबोन डायग्राम के बारे में ही पढ़ेंगे कि फिशबोन डायग्राम हमें पोटेंशियल कॉजेस के बारे में बताता है किसी भी इंसिडेंट के बारे में। तो इसको फिशबोन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दो टूल्स के बारे में पढ़ लिया, एक चेकशीट और एक फिशबोन डायग्राम। बाकी के टूल्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों टूल्स आपको अच्छे समझ में आए या नहीं आए प्लीज कमेंट करके बताएं। आज का सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।